विभाजित हो सकती हैं और तीन से विभाजित होने वाली संख्या ये है। और इसमें देखिए तीन से विभाजित होने वाली 480, यहाँ 480 दो से भी विभाजित है और 480 तीन से भी विभाजित है। अब ये 1260 दो से भी विभाजित है और 1260 तीन से भी विभाजित है। अब यहाँ देखिए पाँच से विभाजित होने वाली संख्या 410, 1260, 6655, 4210 और 1905। यहाँ पे देखिए 4210 पाँच से विभाजित है और 4210 दो से भी विभाजित है। 410 पाँच से भी विभाजित है और 410 दो से भी विभाजित है। उसी प्रकार यहाँ 1260 पाँच से भी विभाजित है, 1260 तीन से भी विभाजित है और 1260 दो से भी विभाजित है। तो कुछ संख्याएं हमारी है जो तीनों से विभाजित हो सकती है, कुछ संख्या सिर्फ दो से विभाजित हो सकती है, कुछ संख्या सिर्फ तीन से विभाजित हो सकती है, कुछ संख्या है जो सिर्फ पाँच से ही विभाजित हो सकती है। लेकिन जो जो संख्या दो से भी विभाजित होगी उसको हम बिना इसमें रखेंगे, तीन से होगी उसको भी रखेंगे, पाँच से होगी तो उसमें भी हम रखेंगे। तो इसी प्रकार हम किसी भी संख्या को ऐसे निकाल सकते हैं कि हम कौन सी संख्या किस किस अंक से विभाजित हो सकती है। एक और सवाल है यहाँ देखिए, जैसे कि 45, 45 क्या है, तीन से भी विभाजित होता है, पाँच से भी होता है, नौ से भी होता है, 15 से भी होता है और स्वयं से होता है। तो ये संख्याएं 45 का क्या होगा, विभाजक है। ये संख्याएं 45 के विभाजक हैं जिसे हम अपवर्तक भी कहते हैं। तो 45 का अपवर्तक क्या होगा, 3, 5, 9, 15 और 45। इसी प्रकार हमारी जो भी संख्याएं आएंगी उसकी अपवर्तक हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। धन्यवाद।